वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज का क्लास 11 का पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में, ठीक है, जो कि है आसाम बोर्ड के लिए। सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं। बिजनेस स्टडीज का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, 7 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के एंड 4 क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के। टोटल ये हो गया हम लोग का 100 मार्क्स, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें ही ऑप्शन दिया रहता है, मतलब बाद बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग के लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है। और जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, दो दिया रहेगा, दोनों में से एक करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम सिलेबस पे आते हैं। बिजनेस स्टडीज का टोटल दो पार्ट किया हो, पार्ट ए हो गया फाउंडेशन ऑफ बिजनेस जो कि टोटल 60 मार्क्स का आता है, और पार्ट बी हो गया कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड ट्रेड, ठीक है, जो 40 मार्क्स का आता है। पार्ट ए में टोटल 6 यूनिट है। पहला यूनिट हो गया नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, 10 मार्क्स इसमें है। दूसरा हो गया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, 12 मार्क्स इसमें से आता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से आता है हम लोग का। तीसरा हो गया प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, 10 मार्क्स यहाँ से है। फोर्थ हो गया बिजनेस सर्विसेज, फिफ्थ हो गया इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस एंड सिक्स हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ठीक है। ये तो क्या पार्ट ए में टोटल 6 यूनिट, और पार्ट बी में हम लोग का टोटल ऐसे 6 यूनिट है। इंटरनेशनल बिजनेस का दो पार्ट है, दोनों पार्ट मिला के यहाँ पे एक यूनिट मैंने किया हो, मतलब पार्ट बी में यहाँ पे 5 यूनिट है, ठीक है। पहला हो गया फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, 10 मार्क्स का। दूसरा हो गया सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, 12 मार्क्स का। ये जो यूनिट टू है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, दोनों यूनिट अगर मिला दिया जाए तो 25 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हो गया नेक्स्ट यूनिट स्मॉल बिजनेस, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलता है इसमें से। इंटरनल ट्रेड 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, और इंटरनेशनल बिजनेस हम लोग का 5 मार्क्स का, वो भी पार्ट ए से ही आता है, पार्ट बी से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का पार्ट ए, पार्ट बी का टोटल चैप्टर्स, ठीक है, मिला जुला के यहाँ पे टोटल 11 चैप्टर है। अब ये जो हम लोग का यहाँ मार्क्स अलॉट किया इसके हिसाब से क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आता है। तो ईयर वाइज 2015 से लेके 19 तक का पेपर में कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन है ये आप लोग के सामने, जैसे यूनिट हो गया नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस 2015, 16, 17, 18, 19, यहाँ पे 2015 में 9 मार्क्स का आया था, 16 में 3 मार्क्स का, 17 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 18 में 8 मार्क्स का, और 19 में 8, 5 एंड 3, 16 मार्क्स का, ठीक है। यूनिट टू हो गया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, इस यूनिट को पूरे अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। 15 में हम लोग का 12, 13 मार्क्स का क्वेश्चन, 16 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 17, 18, 19 में हो गया मार्क्स आप लोग के सामने है, ठीक है। थर्ड यूनिट हो गया पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज, इसमें 5 या 6 क्वेश्चन है, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ही ईजी और छोटा चैप्टर है, तो इस यूनिट को पूरा करना है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ईयर वाइज कितना कितना मार्क्स यूनिट 3 से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 हो गया बिजनेस सर्विसेज, 15, 16, 17, 18, 19 में कितना कितना मार्क्स के सामने है। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस छोटा यूनिट है, ठीक है, इसमें मेनली ई बिजनेस से ही क्वेश्चन आता है, तो 15, 16, 17, 18, 19 में कितना कितना मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। यूनिट 6 हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरमेंट के ऊपर बिजनेस का क्या रोल होना चाहिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बिजनेस एथिक्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब पार्ट बी में पहला यूनिट हो गया फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। 15, 16, 17, 18 में जितना इतना क्वेश्चन दिए सामने आप लोगों का, ठीक है, इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन से कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है। 8 मार्क्स का जो मेन क्वेश्चन है वो एक यूनिट 2 से मिलेगा हम लोग का, दूसरा मिलेगा यूनिट 7 से फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, और तीसरा मिलेगा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये तीन चैप्टर पर ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये तीन चैप्टर मिलेगा, ठीक है। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में 15 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 16 में भी अच्छा खासा मार्क्स है, 17, 18, 19 में 9 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद स्मॉल बिजनेस एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, स्मॉल बिजनेस का प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या है स्टेप ले रहा है इन लोगों को प्रमोट करने का, इन सब का रोल क्या है, ये तीन क्वेश्चन तीन में से एक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया यूनिट 10 इंटरनल ट्रेड, 15, 16, 17, 18, 19 का मार्क्स दिया हुआ, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, मेनली 2 क्वेश्चन है इसमें, होलसेलर और रिटेलर का सर्विसेज जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और आखिरी यूनिट हो गया इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा हर साल, एक 3 मार्क्स का। अब क्वेश्चन इसमें 3 या 4 क्वेश्चन जो रेगुलर एग्जाम में आता है, पहला क्वेश्चन हो गया इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग और उसका एडवांटेज, दूसरा हो गया इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड का डिफरेंस, ठीक है,
तीसरा हो गया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, एंड फोर्थ हो गया इंटरनेशनल ट्रेड का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ये सब हो गया हम लोग का पैटर्न एंड सिलेबस क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज का, ठीक है। जिससे आप लोग ये पता चल जाएगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस हिसाब से पढ़ाई करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मेनली हम लोग को ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टडी का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें, मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मार्क्स पे ध्यान हम लोग सेकेंड ईयर में देंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कोशिश ये करना कि जितना भी चैप्टर है इसके अंदर जितना भी टॉपिक्स है सबको थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लें, ठीक है। इससे क्या होगा, अपना नॉलेज बढ़ेगा, वो जाके सेकेंड ईयर या उसके बाद हम लोग का काम आएगा, ठीक है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर देना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है, ठीक है। सो गाइज थैंक्स अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।